देख लीजिए पूरे ग्रामीण सब लोग, ये स्कूल है, तलवरा स्कूल है, यहाँ पे ये लोग खस्सी और मटन का पार्टी कर रहे हैं हमारे बीओ साहब, क्योंकि एक यहाँ पे आज एक शिक्षिका को, प्रधान शिक्षिका को मार लगा है, इसी के लिए ये लोग पार्टी मना रहे हैं। हाँ जाइए ना, हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए, हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए आराम से। भागलपुर के सरकारी स्कूल में मटन पार्टी के बाद भड़के लोग, स्कूल में घंटों जमकर किया हंगामा। इंटर स्तरीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय तेलवारा में मटन पार्टी किया गया। मटन पार्टी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षक शामिल थे। शिक्षा के मंदिर में मटन पार्टी होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय में जमकर घंटों हंगामा किया। चावल यहाँ क्यों बना है, कौन बनवाया है, हमको जवाब दीजिए। नैमित चावल यहाँ बना है कि नहीं, एक्सेप्ट कीजिए हाँ या नहीं। कहाँ बना? यहाँ वहाँ बिल्डिंग लग क्या बात है दोनों इज्जत करते हैं, हेडमास्टर हैं आप, तो अपने मनमानी कीजिएगा, नीम चावल यहाँ के दिएगा। घटना बुधवार की बताई जा रही है, जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एक महिला टीचर के साथ मारपीट की घटना घटी थी, जिसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण करने गए थे। लोगों ने विद्यालय में घंटों हंगामा किया। ग्रामीण नरेंद्र कुमार चौधरी, नवीन मंडल, संजीव कुमार, सुधांशु कुमार झा, सोनू कुमार ने बताया कि विद्यालय में प्रतिदिन पदाधिकारी की मिली भगत से मटन पार्टी चलती है। बच्चों को मीनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा, वहीं शिक्षक मटन पार्टी खा रहे हैं। दूसरी ओर विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट हो रही है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पूर्व प्रधान अध्यापक शीला कुमारी व ग्रामीणों ने बताया कि परिवार को लेकर बुधवार को वर्तमान प्रभारी द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। इसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदेश्वर पांडे ने कहा कि मैं स्कूल में जांच के लिए आया था, पूर्व से परिचित शिक्षक ने मुझे खाने के लिए बोला और हम मटन चावल खाने लगे, किसी ने इसका वीडियो बना लिया, इसमें मेरी क्या गलती है। विद्यालय में मटन की पार्टी होना उचित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विद्यालय के मध्यान्ह भोजन की राशि से पार्टी नहीं होती है, शिक्षक अपने मन से पार्टी कर रहे थे। वहीं थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि शिक्षक की मौखिक बात एवं विद्यालय की बिगड़ी विधि व्यवस्था को देखकर पुलिस गई थी। मामले में जांच हो रही है, इस संबंध में अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। एक महिला शिक्षिका को मार करवाइएगा और यहाँ मटन चावल लगे खाइएगा। एक महिला शिक्षिका को मार लगा है अभी। हाँ तो पहले आप खस्सी खा लीजिए सरकारी स्कूल में आराम से बैठ के, बीओ साहब, ठीक है, आप खाइए आराम से खस्सी। इस खस्सी को हम निकालेंगे आपका, देख लीजिए पूरे ग्रामीण सब लोग, ये स्कूल है, तेलवरा स्कूल है, यहाँ पे ये लोग खस्सी और मटन का पार्टी कर रहे हैं हमारे बीओ साहब, क्योंकि एक यहाँ पे आज एक शिक्षिका को, प्रधान शिक्षिका को मार लगा है, इसी के लिए ये लोग पार्टी मना रहे हैं। हाँ जाइए ना, हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए, हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, आप खाइए आराम से। नैमित चावल यहाँ क्यों बना है, कौन बनवाया है, हमको जवाब दीजिए। नैमित चावल यहाँ बना है कि नहीं, एक्सेप्ट कीजिए हाँ या नहीं। कहाँ बना? यहाँ वहाँ बिल्डिंग क्या बात है दोनों इज्जत करते हैं, हेडमास्टर हैं आप, तो अपने मनमानी कीजिएगा, नीम चावल यहाँ के दिएगा। अभी क्या बोले तब तक हम लोग सिलाजी स्कूल थे सर, हम जा रहे हैं तैयार करने, हम सिलाजी कोई भी कदम उठाने के पहले सोच समझते हैं, अपना देख लीजिएगा, हम ना आपको मना करेंगे जो आप फैजाज मत कीजिए, ना कहेंगे जो ठीक है। वो थाना गए तो महिला एक मान लीजिए क्या है प्रभाव है, वो अपना प्रभाव तो विभागीय मैटर है, विभाग से कैसे लिया जाएगा, नहीं विभाग मारपीट और अभद्र भाषा, और ये यहाँ जो महिला होता है पुरुष पहला पुरुष के साथ चलेगा तो उल्लन लगा, महिलाएं लड़ पाएगी उससे, शिक्षक होने के बाद शिक्षक में भी में बच्चा तो फिर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, और इस स्कूल में ऐसे शिक्षक को आप खस्सी और मटन नहीं अगर जाएंगे किस पे अपने बाप पे।
अच्छा बाद में क्या कर लीजिएगा? बस आपके पास टीचर है, हम जब स्कूल में बुलाता है सब कुछ कर देंगे, इसी में आपका हिसाब हो जाएगा। जितना हमारे पास है ना उतना आपका हिसाब हो जाएगा। हिसाब सुनिए ना, सवा 2 लाख रुपया जो है इनके यहाँ छात्र कोष विकास कोष का है, हम वो कह रहे देने के लिए तो इनको देने में दर्द हो रहा है। मध्याह्न भोजन का राशि जो है ये निकाल ली है, हमको पुनः कहती है निकालने के लिए कि आप निकाल के दीजिए। सभी कमरे का चाबी इनके पास है, हम कहते हैं देने के लिए तो चाबी नहीं दे रही है। ये विभागीय मैटर है, मारे कहा विभागीय मैटर जो है डीओ साहब को लिखिए, वो भी डीओ साहब को लिखिए, लेकिन मारपीट अबाद्रबाद क्यों गलत है? मारपीट तो बहुत घटना में जो मैडम बोल रही है गलत बोल रही है, गलत बोल रही है। अच्छा जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और प्रधानाध्यापक इसी स्कूल की है, भ्रष्टाचार का रिपोर्ट है, मैंने बाहर कर हम कहे मारे कुछ नहीं, वो अपने कर रही है, वो अपने झगड़ा कर रही है। इसलिए प्रभार के विषय में लिखा गया है, सुनिए प्रभार के विषय में लिखा गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी आनंद कुमार के द्वारा शहर में 2 परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्याम सुंदर हाई स्कूल और मारवाड़ी पाठशाला में चल रहे बीपीएससी एग्जाम के दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई गई थी जो कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराई गई थी, वहीं इस परीक्षा में शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, वहीं शिक्षकों के द्वारा कड़ाई से परीक्षा ली जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है एग्जाम चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं इससे पहले भी बीपीएससी ने तो शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न तिथियों में परीक्षा आयोजित की थी, तो बहुत बढ़िया से कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा पहले भी आयोजित हुई थी, आज भी आयोजित हो रही है, कल भी परीक्षा है। सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, सारे केंद्राधीक्षक और जितने भी वीक्षक हैं
सब लोग अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से। जगदीशपुर अंचल अधिकारी ने सुजीत कुमार सुदान यादव एवं प्रखंड विकास अधिकारी रघुनंदन आनंद ने बुधवार को 63 भूमिहीनों को बासोबास जमीन का पर्चा दिया। ये सभी भूमिहीन भागलपुर शहर में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जो कि कई वर्षों से बसोबास जमीन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। जिलाधिकारी भागलपुर की पहल पर इन लोगों को भूमि उपलब्ध कराया गया है। सभी को जमनी पंचायत के जमनी एवं पिस्ता गाँव में मौजूद सरकारी जमीन का पर्चा दिया गया है। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई अधिकारी एवं राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में भूमिहीनों लाभुकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा भूमिहीनों को 63 लोगों को भूमि का पर्चा दिया गया, जिसमें पुरुष एवं महिला शामिल है। अंचल अधिकारी ने कहा कि बचे हुए लोगों को बाद में पर्चा दिया जाएगा। यह जमीन ग्राम पंचायत बैजानी खीरीबांध जमनी पंचायत में मिला है। वर्षों से भूमिहीन लोग इसकी मांग कर रहे थे। पर्चा मिलने के बाद भूमिहीनों में खुशी की लहर दौड़ गई एवं जिला पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता ने सरकार और पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भूमिहीनों को सरकार ने जमीन देकर बसाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। बोलबे न करके हम तो अनशन पर बैठल छी भैया, 9 दिन भूख तर करी के 14 दिन अब फिर सीओ साहब जूस पी लेल के हमरा सब के तब हड़ताल तोड़ बेल के। आज कितना खुश हो? खूब खुश, खूब खुश। जहां जमीन मिलेगा आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? हां तैयार छी। कोई दिक्कत नहीं? सीओ साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या छी मसली, बहुत कष्ट काटी रहल छी। गुजुगी झोपड़ी में रही के हमरा नेर घर द्वार टूटी गेल छै, त बहुत दिक्कत में छी, लेकिन आज यदि जो खुश छी त एकदम बहुत खुश छे। हमरा नानी जमीन दे देते। हमरा नानी कितना तपस्या करी रहलो? 2009 भाई तपस्या सर करी रहलो छे, दौगी रहलो छे। यदि जो मिली गेल तो हमरा नानी बहुत खुश छे, लेकिन इंदिरा आवास घर देते। हमरा नानी कमाए खाए आदमी छे, हमरा नानी घर तो बनावा नहीं सकबे। इंदिरा आवास देते, बहुत खुश छे सर। खुश है हम लोग, संपूर्ण दुग्गी झोपड़ी परपोस जो है पूरा आज खुश है। सब दुग्गी झोपड़ी वासियों आया हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं। हम लोग का संघर्ष आज पूरा हुआ। आज हम लोग को 63 आदमी को पर्चा दिया गया है। बाकी जो छूटा हुआ है उनको बोले हैं सीओ साहब के एक दो दिन में हम कर देंगे, और उसके बाद हम माननीय DM साहब से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, सीओ साहब से ये प्रार्थना करेंगे, BDO साहब से, कि जल्द से जल्द इन लोग को इंदिरा आवास दे दिया जाए, ताकि जमीन नापी होने के बाद इंदिरा आवास दे दिया जाए। ये लोग को घर बना लेगा अपना, और घर बना के अपना वास करेगा। हम लोग इसलिए बहुत खुश है आज। DM साहब क्या कहिएगा? DM साहब जिंदाबाद, DM साहब जिंदाबाद। जमनी पिस्ता दो जगह मिला है, जमनी पिस्ता खीरीबांध, खीरीबांध में भी मिला है। पहले मिला है 16 आदमी को, इसी 92 आदमी में से, और दो चार आदमी का जो है अभी नाम इधर उधर हो गया है। CO साहब से अभी हम बात किए हैं, उसका नापी हो गया है, केवल उसको जमीन मतलब कि पर्चा देना है। लेकिन अभी CO साहब से हम बात किए हैं, बोले 2 दिन में हम कर देंगे, क्योंकि उन लोग का जो है नापी भी हो चुका है। कितना दिन से संघर्ष कर रहे थे? ये हम लोग 2009 से बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे, 14 दिन भूख हड़ताल किए हैं। ये तो मत समझ जाइए कि हम लोग गंगा नहाए, बहुत आदमी मर गए हैं। और सर आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करना चाहते हैं कि इसमें से दो चार बुजुर्ग जो थे संघर्ष में शामिल थे वो मर गए हैं, उनका पुतों को ये जमीन मिलना चाहिए। क्या क्या नाम था जो? नाम शिव साह एक थे जो मर गए, उनका पुतों कहाँ है? ये देखिए, ये विधवा बेचारी जो इसका मतलब ससुर मर गए हैं, बेचारी का दूल्हा जो है बेकार है, पागल है, और कोई नहीं है इसको, बस वही बेचारा का संघर्ष है। आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन लोग को मिल जाए दो चार। एक ये है, एक मीरा देवी है। मीरा देवी कहाँ है? एक मीरा देवी है, ये जो है सत्तू पत्तू बेचती है, बेचारी देखिए कैसे रो रहा है। पैसा घूस मांगा था जो कि नहीं देने के कारण इसका छांट दिया है। दो चार पांच आदमी ऐसा है जिसको छांट दिया गया, कर्मचारी। इसलिए हम लोग CO साहब से विनती करते हैं और कहते हैं कि CO साहब जिंदाबाद। सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर जगदीशपुर डंडा बाजार में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों का रोकर बुरा हाल है। मृतक की पहचान डंडा बाजार के रहने वाले सुभाष दास के पुत्र बलराम कुमार के रूप में हुई है, जिसे बगल के ही चाचा रोशन कुमार मोटरसाइकिल से घूमने के लिए ले गए थे। इसी क्रम में सड़क दुर्घटना में बलराम की मौत हो गई। वहीं बलराम के भाई परशुराम ने इस घटना को सड़क दुर्घटना न बताकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं सबको पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। घर में थे तो खाना पका रहे थे, मेरा भाई लहा सोना के आया तो ये लड़का गया था बुलाने के लिए, दो बार बुलाया ना आया, तीसरा दफे में तो आया तो चला गया। ये बोले कहाँ जा रहा है तो बताया ना है, तो गया तो गया, ये रह गया तो खोजे दो तीन दिन, घर से भी बाहर में तो नहीं मिला।
हम सब सोचे रोशन के साथ। अच्छा रोशन कौन है? ए 84-10 का बेटा। अच्छा, कहाँ रहता है? बगल में चाचा है वो। अच्छा, कभी किसी झगड़ा हो रहा था उससे क्या? ना उससे कभी नहीं था। क्या लगता है कैसे घटना घटी? अभी यही सब गया था, पता नहीं बुला के क्या क्या नहीं किया, देखते हैं। तो अभी कहाँ है? क्या लग रहा है कि एक्सीडेंट में मरा है कि कोई मार दिया? हमको लगता है मार दिया है, काहे से कि बॉडी जो बाइक में ठोका रहा था तो इस पूरा बाइक के बेकार हो जाता। बाइक पूरा बेकार नहीं हुआ है, खाली एक साइड बाइक का टूटा हुआ है और सब बाकी सही है। मेरा भाई पूरा चूरम चूर है, इतना से अलग है, इतना से अलग है, मुंडी गायब है, ना एक हाथ है ना एक पैर है, एक दो ही चीज है। मतलब हम देखे पर घटना कहाँ पे घटी? जगदीशपुर। जगदीशपुर में कहाँ? जगदीशपुर में शिव मंदिर है ना? शिव मंदिर यहाँ ही पेट्रोल टैंक। क्या लगता है हत्या की गई है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे भाई का जिसका मौत? बरलाम कुमार। पिता किसके साथ गया? सुभाष दास। जिसके साथ गया उसका क्या नाम है? रोशन कुमार। घर कहाँ हुआ? बिहार सर्वोदय मंडल की प्रांतीय अध्यक्ष और गांधी निधि के सचिव विनोद रंजन की श्रद्धांजलि सभा भागलपुर की गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में भागलपुर जिला सर्वोदय मंडल परिधि जनप्रिय लोक समिति संपूर्ण क्रांति आंदोलन मंच गंगा मुक्ति आंदोलन समन्वय समिति दलित विकास समिति आदि संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता डॉ योगेंद्र ने की। दिवंगत विनोद रंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विनोद रंजन ताउम्र सामाजिक जीवन को जिए, वे समाज में गांधी विचार को फैलाने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। वे गंगा मुक्ति आंदोलन की शुरुआती समय में सक्रिय भूमिका में रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विजय कुमार उन्हें याद करते हुए कहा कि छात्र पूर्व संघर्ष वाहिनी के दौर में जब परिवर्तनकारी साथियों के खाने ठहरने का कोई इंतजाम नहीं होता था तब विनोद जी डमरू बजाकर सबके खाने का इंतजाम करते थे। यह अद्भुत लगन और समर्पण को दर्शाता है। कार्यक्रम में उदय डॉक्टर मनोज प्रकाश चंद्र गुप्ता वासुदेव भाई डॉक्टर विजय कुमार डॉक्टर सुनील अग्रवाल अनीता शर्मा गौतम कुमार अर्जुन शर्मा एनुल होदा संजय कुमार राम पूजन कुमार संतोष मिंटू कलाकार डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज मोहम्मद समीम सुभाष प्रसाद वीना सिन्हा संजय सुमन आदि मौजूद थे। विनोद रंजन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता थे। गांधी जयप्रकाश लोहिया की विचारधारा के लोग थे वहां से देने का और पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक कार्यों में ही लगा दिया। सर्व सेवा संघ और गांधी निधि के वो अध्यक्ष भी थे। वो एक बेहतरीन आदमी थे, क्रांतिकारी थे, सहज सरल थे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुआ करता है। आज जबकि जरूरत थी सबकी